चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिल को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें किसानों का पेमेंट चाहिए। साथियों, ये लोग हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा स्थापित भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। 2024 में हम आपको जवाब देंगे और इस सरकार को परत करके इन गन्ना किसानों को पेमेंट भी देंगे, भाव भी देंगे। बदला वाले लेकिन जागृति पूरी होगी या दूसरी से आए इस किसान की। आज हमारे बीच में मंच पर हाजिर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन, राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसानों की धड़कन आदरणीय राकेश टिकैत जी, आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं हाजी मुतलू गोगवान जी, सभा के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गुज्जर जी, वे सभी किसान भाइयों, मेरे विधायकगण, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्तागण और भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण और लगभग 80 दिन से इस धरने पर बैठे मेरे किसान भाइयों, देखो इससे ज्यादा दुर्गति इस किसान की हो नहीं सकती। ये बिल्कुल जो है सिर पर पानी उतर गया, पर मैं एक बार बताऊं और आपका धन्यवाद भी करूं, आज जो आपने यहां हजूम इकट्ठा किया है इस शासन को, इस प्रशासन को ये हजूम देखने की आदत थी। मैं इस शासन को बता देना चाहता हूं, किसानों की आत्मा में यदि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और यदि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी बसते हैं, तो किसानों के खून के कतरे कतरे में आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय राकेश टिकैत जी है। मैं शासन को बता देना चाहता हूं, यदि इस क्षेत्र में किसी किसान भाई को चोट लगती है तो उसका दर्द आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को होता है, आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी को होता है। ये प्रशासन अपनी आंख खोल ले, आज इनके छोटे से इशारे पर इस श्यामली गांव मंजर हुआ है। हम मिल को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें किसानों का पेमेंट चाहिए, किसानों का हक चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज से 3 महीने पहले शरण लिया था, शरण में घोषणा हुई थी, आप भी मौजूद थे। आपने कहा था, आपके मंत्री ने कहा था 80% पर पेमेंट हो चुका। मैं उसी दिन ये कहा था कि श्यामली जिले का 800 करोड़ पेमेंट बाकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन आंख खोल के सुन ले, अब भी 325 करोड़ रुपए श्यामली जिले के बाकी बचे हुए हैं। किसान की क्या दुर्दशा है साथियों, ये लोग हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी
एसओ श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा स्थापित भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही है, हम माननीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, हम माननीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के अनुयायी लोग हैं। हम उस विचारधारा को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे हमारे खून के एक एक कतरे की पैमास ले ले। साथियों, आज किसान की क्या दुर्दशा है? एक बिजनेसमैन जो माचिस की तिल्ली बना रहे उसका भी पहले भाव निश्चित हो जा। आज यह स्थिति है, सारे मिल चालू हो गए, पेमेंट नहीं मिले। पर मैं इससे ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से, शासन से, क्या किसान गन्ना पैदा करता है 24 घंटे पूरे 12 महीने मेहनत करके, क्या इसका लाभकारी मूल्य घोषित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमने क्या आपका कर दिया? बस केवल ये किया कि आपने 13 महीने वाले आंदोलन में हमें आंदोलनकारी बताया, हमें आतंकवादी बताया और हमारे रास्ते में कीले ठोकी। लेकिन इस किसान की ताकत ने आपके छाती पर मूंग दाल करके और अपने 750 किसानों को शहीद त्याग करके अपनी मांग मनवाने का कार्य किया है, और जिसकी जिम्मेदारी, जिसका त्याग और तपस्या आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी और जिसको, जिस आंदोलन को अपनी ताकत से आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हवा दी, आपको घुटने टेकने पड़े। बस केवल और केवल हमने ये काम किया है। हमारी गलती यह है कि हम किसान की आवाज को उठाते हैं, हम किसान की आवाज को बुलंद करते हैं, यही गलती है, इसीलिए आप घोषित नहीं कर रहे। तो मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि 2024 भी नजदीक है, ये सरकार, इस वर्तमान सरकार, डबल इंजन की सरकार, 2024 में हम आपको जवाब देंगे और इस सरकार को पलट करके इन गन्ना किसानों को पेमेंट भी देंगे, भाव भी देंगे। मैं ये मंच से घोषणा करता हूं। साथियों, आज किसान दुखी है, हर जगह से कर्ज उठा रखा है, चाहे वो सरकार का कर्ज हो और चाहे किसी सौकार का कर्ज हो। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को एक कविता सुनाने देना चाहता हूं। इस किसान की क्या हकीकत है? कर्ज लेकर साहूकार से दब गया बोझ तले, डूबा है इस चिंता में मुसीबत ये कैसे टले। किसान कह रहा है, कर्ज लेकर साहूकार से दब गया है बोझ तले, डूबा है इस चिंता में मुसीबत ये कैसे टले। जीने की न आस रही, न भूख और प्यास रही, अरे धूप में झुलसते किसान, ये सरकार भी तेरे खिलाफ रही, ये सरकार भी तेरे खिलाफ रही, ये सरकार भी तेरे खिलाफ रही। साथियों, बदला वाले इन्हीं शब्दों के साथ किसान एकता, इंकलाब, जब तक मिल का पेमेंट नहीं होगा तब तक धरना नहीं हटेगा। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकतंत्र।